How to solve session expired problem on Facebook. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो एरर आता है Facebook में session expired on Facebook, इसको आप कैसे जो है हटा सकते हो, इसे आप कैसे जो है फिक्स कर सकते हो. तो दोस्तों मैं आपको यहां पे कम से कम चार तरीका बताऊंगा, चार वेज बताऊंगा जिसके मदद से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो. सबसे पहला तरीका दोस्तों, सबसे पहला तरीका ये है कि आपको ध्यान रखना है कि आपने जिस मोबाइल पे आप ट्राई कर रहे हो लॉगिन करने के लिए और जब ये प्रॉब्लम आपको आता है, तो दोस्तों हो सकता है कि आपने किसी दूसरे मोबाइल में भी या फिर डेस्कटॉप में आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट लॉगिन करके रखा हो और आप दूसरा मोबाइल में ट्राई कर रहे हो और ये एरर दिखा रहा है. तो ये केस में आपको जो है एरर दिखाता है कि आप दो जगह में लॉगिन हो, दो जगह में लॉगिन करने के लिए कोशिश करते हो तो तब आपको ये दिखाता है. ठीक है, आप जाके लॉग आउट कर लीजिए, दूसरे जगह पे आप लॉगिन हो तो उसके बाद में कीजिएगा. सही हो जाना चाहिए, 99% सही हो जाना चाहिए. यदि फिर भी नहीं होता है तो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा. आपको जाना है सेटिंग्स पे और सेटिंग्स पे जाने के बाद में आपको ढूंढना है एप्लीकेशन मैनेजर, या फिर ऐप्स के नाम से भी रहेगा या फिर इंस्टॉल्ड ऐप्स भी रहेगा, और मेरा ऐप मैनेजमेंट है. ठीक है, ओप्पो फ़ोन पर. तो जो भी है एप्लीकेशन पर आपको जाना है. एप्लीकेशन में जाने के बाद में आपको यहाँ पर फेसबुक ढूंढना है. ठीक है, यहाँ पर फेसबुक आ चुका है तो फेसबुक पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे स्टोरेज यूसेज पे क्लिक करना है और क्लियर कैची कर देना है. ठीक है, और उसके बाद में क्लियर डाटा पे क्लिक करके डाटा आपको क्लियर कर देना है. ठीक है, डाटा क्लियर करने के बाद में आपको दोबारा से जाना है फेसबुक में और लॉगिन आपको ट्राई करना है. 100% गारंटी देता हूँ कि आपका लॉगिन हो जाएगा. ठीक है, फिर भी नहीं होता है तो दोस्तों आपका फेसबुक एप्लीकेशन एक बार अनइंस्टॉल कीजिए और फिर से रीइंस्टॉल कीजिए और एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट मारिए, आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा. तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.